हमारा प्रोफेशनल बंदा है और हम दोनों काम वाले हैं, ये अपना नाम इस्तेमाल करते हैं और हम काम करते हैं। दिस इज किडिंग। अच्छा, वेलकम बैक टू किस्सा नगरी। और हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है अलैदगी। हाँ, और इसके तीन पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट किया है एमएस आरएम ने, दूसरा पार्ट किया है फातिमा अली ने, और तीसरा पार्ट किया है मैंने, मुस्तफा बाबर। एंड नाउ वी विल टेक यू टू व्हाई वी मेड अलैदगी, जो तीन पार्ट सीरीज है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम पागल हो, प्लीज मत तंग करो यार। सो अलैदगी पार्ट वन, विच इज़ हमेशा यही होता है, इज़ अ वेरी पर्सनल फिल्म टू मी, बिकॉज अ लॉट ऑफ रीजंस। आई फील लाइक जो मैंने लिखा है वो, इट्स जो नरेशन है जो मायरा ने की है, इज़ अ वेरी, आई मीन इट केम फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट। वॉज वट आई वॉज फीलिंग, दिस डिसकनेक्ट विद द वर्ल्ड, आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई सोल। सो इट्स समथिंग दैट्स, आई फील लाइक इट्स वेरी कथॉर्टिक एंड इट सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट्स माई मेटामॉर्फोसिस एज अ पर्सन। मेरा दिल बैठना शुरू हो जाता है, घबराहट से महसूस होने लगती है। लास्ट ईयर आई मूव्ड फ्रॉम जर्नलिज्म टू फिल्म मेकिंग एंड इट वाज दिस एंटायर प्रोसेस फॉर मी। बट या, सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आई नरेटेड इट टू माहिरा एक दिन रैंडमली। आई वाज ऑन द फोन विद हर एंड शी टोल्ड मी हाउ शी थॉट कि ये उनके लिए लिखा गया बिकॉज उनका भी दिल बैठता है, दैट्स द पंच लाइन। And from there, she wanted to do the narration. I worked with Umama, jo ki art director thi, and Mustafa on the visuals. And I just thought of the series and thought of, you know, ki wo sara ikattha hai as a project and how it could be represented, somebody's headspace. And yeah, so that's Alaidgi part one. Dear ex-best friend. तो मुझे हंसाते हो। Dear ex-best friend, obviously was by the title. It's the loss of a best friend and the journey throughout. I decided to make this because loss is very common. Everyone goes through loss, and I really wanted people to relate to my experience and to be inspired to move on. And find happiness in loss, and rather than keeping all the bad memories, it's also important to keep the good memories with you. That's the message I really wanted to convey. Love, Cheetos, and the feeling of betrayal. Filming was very difficult because of the whole quarantine. I was not allowed to leave my house, therefore every scene is shot in my house, and the person behind the camera was my mom, who never ever filmed in her entire life, so it was very difficult. So the narration was done by Dan Al-Zafar, and he really understood my writing. क्या बोला था मैंने, इनिशियली वॉज माई आइडिया फिल्मिंग। साइम टोल्ड मी कम अप विद अ स्टोरी रिलेटेड टू आइसोलेशन, विच बेसिकली मीन्स अलैदगी इन उर्दू। तो आई हैड टू मेक द पार्ट थ्री, एंड आई रियली वॉन्टेड टू, यू नो, शो द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, हाउ दे सी मैन। तो आई केम अप विद दिस स्टोरी के व्हाट आई हैव बीन थ्रू इन माई चाइल्डहुड। आई हैव फिल्म में जो चीज़ मेजरली जो बहुत इम्पैक्टफुल थी वो डायलॉग्स थे, एंड सारिम हेल्प मी टू गेट द डायलॉग्स फ्रॉम आसिम अज़र। एंड जो सबा कमर का डायलॉग था स्टार्ट में, आई टुक इट फ्रॉम
सिक्का, क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या जनाना हरकतों का शौक है तुम्हें? मर्द बनो मर्द. It was kind of difficult to film because I had to do it all in 2 days. And Khizr, who basically is an Instagram personality, he helped me a lot. He helped me a lot in the editing and most importantly in the camera shot, because I could not do it alone. When I posted that film, उसके बाद जो मैं चाहता था कॉन्सेप्ट जो लोगों के माइंड में आए, पीपल क्विकली लाइक अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और मुझे काफ़ी ईमेल्स और काफ़ी मैसेज आए दे वर अबाउट के हाउ देव बीन थ्रू द सेम सिचुएशन व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, एंड इट्स ऑनेस्टली द मोस्ट टॉक्सिक थिंग. और इंशाल्लाह आई कम अप विद मोर स्टोरीज व्हिच आर मोर रिलेटेबल एंड you know, things which society sculpted for us, and I don't want to conform to societal stereotypes. So, subscribe. Tu Mustafa Babar. That's all. Period. So, basically, किस्सा नगरी शुरू इस तरह हुआ था कि मैं और फातिमा स्कूल में थे और हमने कहा फिल्में बनानी है यार. So, we came up with this dark comedy, जो कि 2 हफ्तों में आ रही है. We worked with Usman Mukhtar on that. एंड बस वो शूट होके बस हमने रख दी. देन वी वर्क ऑन आवर स्कूल प्रोजेक्ट व्हिच कम्स आउट नेक्स्ट वीक. रूमीज प्रोजेक्ट एक्ट किया था, तो फातिमा वाज़ द सिनेमेटोग्राफर, आई डायरेक्टेड रूमीज प्रोजेक्ट एंड मुस्तफा एक्टेड, एंड दैट्स व्हेन द 3 ऑफ अस फर्स्ट केम टुगेदर. तो बेसिकली हुआ ये दैट सिक्का जो मैंने फिल्म पिछले साल बनाई थी सॉरी ये तो अपने यूट्यूबर्स जो है ना परसोना, ये जाके मुस्तफा बाबर वाले चैनल पे लगाओ सब्सक्राइब टू मुस्तफा बाबर. आई मेड सिक्का लास्ट ईयर एंड इट वाज अ वेरी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी मेरे लिए, बिकॉज़ आई मूव्ड फ्रॉम बिकमिंग अ जर्नलिस्ट टू अ फिल्म मेकर. मैं कहानी पूरी करूंगा चाहे मुझे जितनी डिस्ट्रैक्शन. मैंने बना ली सिक्का और फिर उसके बाद आई वांटेड टू सेंड इट फिल्म फेस्टिवल्स. इस साल जब मैं फिल्म फेस्टिवल्स जो गई नहीं कभी फिर क्या हुआ इस साल जब फिल्म फेस्टिवल्स पे मैं भेजने लगा था तो द होल अनफॉर्चुनेट पेंडेमिक बिगन एंड लॉकडाउन बिगन, सो एवरी फिल्म फेस्टिवल अक्रॉस द वर्ल्ड गॉट पोस्टपोन्ड और कैंसल्ड फॉर 2020. बट व्हेन द वेरी अनफॉर्चुनेट प्लेन क्रैश हैपेंड, आई फेल्ट लाइक द राइट थिंग टू डू वाज टू सेलिब्रेट ज़ारा एंड पुट द फिल्म आउट. एंड सो आई जस्ट क्रिएटेड किसान अग्री रैंडमली. मैंने यूट्यूब पर बनाया मुस्तफा फातिमा को कॉल की गया, चैनल बन गया है और तुम दोनों हो. पूछा भी नहीं इसने कि हाँ या ना हो. नेम सिलेक्शन में मैं हल्का सा, मैं हम लोग थे बच्चों करो तुम कैसे बचपन से. आफ्टर दैट वी हैड टू लॉन्च आवरसेल्फ, सो मुस्तफा फातिमा एंड आई, हम लोगों को अपने एक दूसरे को लॉन्च करना था ऑन द चैनल एज फिल्म मेकर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि यार ये तो एक यूट्यूबर ही है और ये बस फनी बच्चा है बस यही करेगा पूरी जिंदगी. मैंने ये बताना था कि मैं इससे ज्यादा हूँ और मैं कर सकता हूँ बहुत चीजें अल्हम्दुलिल्लाह. बाय गाइस, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.